खाने में अगर अरहर दाल ना हो तो हमारा खाना कुछ अधूरा सा ही लगता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अरहर की फायदों की। अरहर के फायदे हम सभी लोग जानते हैं कि वो पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फॉस्फेट, फॉलिक एसिड और मैग्नीज जैसे तत्वों से भरपूर होती है। खाने के लिए हमारे लिए वो काफी पौष्टिक होता है। खाने में अगर दाल ना हो तो हमारा खाना कभी पूरा ही नहीं होता, और स्पेशली तुअर दाल, जिसे हम अरहर की दाल भी बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती और आज हम बात करेंगे अरहर के फायदों की, और फायदे भी ऐसे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए बात करते हैं। क्या आपने सुना है कि कभी आपने अरहर की दाल से किसी भांग का नशा उतारा है? जी हाँ, अगर गलती से किसी ने भांग खा ली हो, या फिर ऐसा अक्सर होता है कि शिवरात्रि वाले दिन या फिर होली वाले दिन कई लोग गलती से लोगों को एक दूसरे को शरारत में भांग खिला देते हैं, लेकिन उसका नशा इतना ज्यादा कई लोगों को परेशान करता है कि उनके सर में काफी प्रॉब्लम हो जाती है। उसे उतारने के लिए अगर आपके घर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप अरहर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अरहर की दाल का पानी या लेना है, और उसे आप या तो भिंगो कर या फिर उसका जो उसे उबाल कर जो पानी होता है उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर पेशेंट को दें तो जो इसका नशा होता है वो बहुत जल्दी निकलता है। देखिए, बात करूं तो अगर बरसात में सांप काटना एक बहुत ही आम समस्या हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम घर में अकेले होते हैं और कोई भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपके आसपास अरहर का कोई पेड़ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको उस पेड़ की जड़ लेनी है और उसे चबा चबा कर अगर हम उसे खाएं, या पेशेंट को किसी भी हमारे जो आसपास के लोग हैं उसको दे दें, तो जो सांप का जहर होता है वो काफी जल्दी उतरता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं। आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन ये चीजें सिर्फ एज अ फर्स्ट एड ही यूज करें। आप इससे मुंह के छालों को भी ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, इसके पानी के प्रयोग से आप अगर बार बार कुल्ला करें या गार्गल करें तो आप देखेंगे कि मुंह के छाले भी बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इसके अलावा भी अरहर के काफी फायदे होते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन में रिच होती है, इसलिए आपको वजन कम करने में ये बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। क्योंकि आपको जब भी आप इसे खाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको ऐसा फील होता है कि आपको जल्दी भूख नहीं लगती, और जब आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी तो आप ओवर ईटिंग से बचेंगे और नेचुरली आपका जो वेट है वो लूज होगा। दूसरा, इसका फायदा डायबिटीज के लिए भी है। दूसरा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। लेकिन याद रहे कि अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप खाएंगे तो आपको ये नुकसान ही करेगा। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रण में रखता है। क्या आप जानते हैं अरहर दाल का सेवन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और रोगों को दूर भगाने के लिए काफी मददगार होता है? क्योंकि इसमें अम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण पाए जाते हैं जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसके पत्तों का प्रयोग हम अपने कौन-कौन से रोगों में उपयोग कर सकते हैं। इस मौसम में बुखार आना एक आम समस्या है। आप अरहर की पत्तियों का सेवन किसी भी तरीके का बुखार आने पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको अरहर के पत्तों को साफ करके उसे पीस लेना है और मिश्रण को गुनगुने पानी में मिलाकर उसमें थोड़ा सा अदरक और तुलसी डालकर काढ़ा बना लेना है, और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप अगर पिए तो आप देखेंगे कि आपका बुखार तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ उसके साथ जो कब्ज हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरे प्रयोग के लिए, अगर आपको खुजली की समस्या है या आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसकी पत्तियों को थोड़ा सा जलाकर उसकी राख को हल्दी और दही के साथ मिलाकर खुजली वाली जगह पर लगा लें तो आप देखेंगे कि आपकी खुजली की परेशानी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है, और
अगर खुजली दूर करने के लिए आप नहाने के पानी में अरहर के पत्तों को डालकर उस पानी से नहा लेते हैं तो खुजली की समस्या और भी जल्दी ठीक होगी। अगर हम इसके और प्रयोग देखें तो आप अरहर की पत्तियों से घाव भरने के उपाय भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अरहर की पत्तियों को पीस कर और उस मिश्रण में थोड़ा सा नारियल तेल मिला लेना है और इसको आपको जहाँ पर आपके कोई घाव या चोट है तो उसे आप लगाएं तो आप देखेंगे कि आपका घाव बहुत ही जल्दी ठीक होता है। अगर आपके गले में इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी आप अरहर के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अरहर के पत्तों को भिंगो कर रखना है और अगले दिन उस पानी को छान कर उसका सेवन करना है, जिससे आपका गले का इन्फेक्शन दूर होगा। आप दिन में 2-3 बार इससे गरारे भी कर सकते हैं थोड़ा गर्म करके, तो आप देखेंगे कि आपके गले में जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी ठीक होता है। आप अरहर की पत्तियों से हेडेक यानी जो सरदर्द होता है उसे भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसके पत्तों की खुशबू लेनी है, क्योंकि उसे सूंघने मात्र से आपके जो सर में दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। ये डायबिटीज को भी कम करने में काफी मदद करता है। तो आपने देखा कि अरहर के कितने सारे फायदे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।